फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हियर इज द डिश। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए नमक पारे, जो कि बनाना बहुत आसान है। आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जब भी कोई गेस्ट आ रहा है और आपके घर में कुछ भी नहीं है, तो आप झट से चाय के साथ इन्हें परोस सकते हैं, और टी टाइम स्नैक्स भी बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, चलिए हम झटपट से देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, ऑल पर्पज फ्लावर, नमक लिया है मैंने, अजवाइन, कैरम सीड्स, ऑयल और भूनने के लिए पानी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी में लिया है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने सबकी क्वांटिटी मेंशन की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक आपके स्वाद के अनुसार होगा, आपको अगर ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डालिए, कम पसंद है आप कम डालिए। और डालेंगे अजवाइन, ऑयल, इनको हम मिला लेते हैं अच्छे से, और डाल देंगे ऑयल बीच में, इस तरह से गया इसके अंदर ऑयल। पहले हम इसे मार लेते हैं। धीरे धीरे करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एक साथ पानी कभी भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें ये आटा गूंदना है टाइट एकदम। सो आटा हमारा गूंद गया है, अभी हम इसे 20 से 30 मिनट तक कम से कम रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। और तो आटा बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और हमारे पारे बहुत ही भुरभुरे और क्रिस्पी निकलेंगे। तो चलिए इसे हम रेस्ट दे देते हैं तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए। हम तैयार है, देख लेते हैं। देखिए, अब हम इसे वापस से एक बार ऐसे पूछ दे देंगे। एकदम टाइट गूंद दिए, आप जब भी इसे गूंदें, देखिए एकदम बढ़िया बन के तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, एक लोई इस तरह से निकाल के एक बॉल के बराबर, और इसे अच्छे से गोला बना लेंगे। अब हम इसे साफ सरफेस पे बेल लेंगे। मैदा है तो जब आप बेलेंगे तो ये वापस से छोटा हो, तो आपको थोड़ा जोर देके इसके बोल इसको बेलना होगा। मैं यहाँ पर कुछ डायमंड शेप के नमक पारे बनाऊंगी, कुछ मैं स्क्वायर, और लास्ट का हम निकाल देते हैं। और अब क्या करेंगे, हमें बहुत ज्यादा छोटा नहीं करना है, तो हम इन्हें बीच में से बस इस तरह से एक कट दे देंगे। तो इस तरह से पूरी एक स्ट्रिप इस तरह से बन जाएगी। याद रखिए, ये बहुत गर्म तेल में हमको नहीं बनानी है। अगर बहुत गर्म तेल में हम बनाएंगे तो उससे होगा क्या, ऊपर से ये सिक जाएंगी पर अंदर से कच्ची रहेंगी। तो हमें चाहिए एकदम क्रिस्पी भुरभुरी। तो हम तेल को मध्यम आंच पर ही रखेंगे और तब इन्हें धीरे धीरे हम सेकेंगे। तो चलिए, तेल हमारा गर्म है, क्योंकि हमें तेल बहुत गर्म नहीं करना है। तो तेल गर्म हो चुका है जिस तापमान पर हमें चाहिए। तो चलिए इन्हें हम तेल में डाल लेते हैं। तो तेल गर्म है, अभी हम इसमें डालते हैं हमारे नमक पारे। देखिए, ये धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब तेल हमारा बिल्कुल सही गर्म हुआ है, ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। और मैंने आँच को एकदम धीमा कर रखा है। एक बार तेल गर्म हुआ, फिर उसके बाद उसको धीमा कर दीजिए, और फिर उसे धीमी आँच पर ही हम पकाते हैं। तो आप देख सकते हैं, नमक पारे एकदम गोल्डन हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये एकदम तैयार है, हमने इन्हें एकदम स्लो हीट पर ही पकाया है। तो चलिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं बाहर। तो पेपर टॉवल पे हम इसे निकालेंगे, जिससे एक्सेस तेल जो होगा वो बाहर आ जाएगा। डायमंड शेप में भी काट के रख लिए हैं, तो इन्हें भी हम ऑयल में डाल देते हैं। और इसी तरह से हम स्क्वायर शेप में भी काट कर बना लेंगे।
नमक पारे बनकर एकदम तैयार है। मैंने यहाँ पर स्ट्राइप शेप में और डायमंड शेप में और स्क्वायर शेप में बनाया है। आप इन्हें एंजॉय कीजिए चाय के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी मेरी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।